हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंसर्स। तो एक गुड सेंसर्स को सिलेक्ट करने के लिए उनमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो सेंसर्स होने चाहिए उनमें हाई सेंसिटिविटी होनी चाहिए। सेंसिटिविटी इंडिकेट्स हाउ मच द आउटपुट ऑफ द डिवाइस चेंजेस विथ यूनिट चेंज इन इनपुट। इनपुट मीन्स क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। जो सेंसर्स होने चाहिए उनमें हाई सेंसिटिविटी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई सेंसर है, सपोज टेम्परेचर सेंसर है, तो अगर उसमें जो इनपुट टेम्परेचर आ रहा है उसमें मैं कोई चेंजेस करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग उसका आउटपुट में भी चेंजेस दिखने चाहिए। तो इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट कितना चेंज हो रहा है वो डिफाइन करता है उसकी हाई सेंसिटिविटी। यानी अगर मैं थोड़ा सा भी टेम्परेचर में चेंजेस करती हूँ तो मुझे आउटपुट में भी वो इंडिकेट होना चाहिए। जैसे टेम्परेचर सेंसर है वो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहा है इनपुट में, तो हमें 1 मिली वोल्ट अगर आउटपुट मिल रहा है। तो अगर मैं इसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग इसमें भी मुझे चेंजेस दिखने चाहिए। सेकेंड इज लीनियरिटी। द आउटपुट शुड चेंज लीनियरली विद द इनपुट। जो आउटपुट है वो लीनियरली चेंज होना चाहिए इनपुट में। अगर सपोज इनपुट में 1 डिग्री सेल्सियस था और मुझे आउटपुट टेम्परेचर सेंसर दे रहा था 1 मिली वोल्ट, अगर मैं इसमें 2 डिग्री सेल्सियस करती हूँ तो मुझे यहाँ 2 मिली वोल्ट मिलना चाहिए। यानी जो आउटपुट है वो लीनियरली चेंज होना चाहिए इनपुट के साथ। नेक्स्ट इज हाई रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन इज द स्मॉलेस्ट चेंज इन द इनपुट दैट द डिवाइस कैन डिटेक्ट। सेंसर्स हैं उनमें हाई रिजोल्यूशन होना चाहिए, यानी थोड़ा सा भी अगर हम इनपुट में चेंज कर रहे हैं उसे भी सेंसर्स को डिटेक्ट कर लेना चाहिए। मेरे पास कोई टेम्परेचर सेंसर है तो अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वो आउटपुट में डिटेक्ट हो जाना चाहिए। तो वो जो स्मॉल क्वांटिटी जो सेंसर डिटेक्ट कर पा रहा है उस स्मॉल क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, उसका रिजोल्यूशन। सपोज मेरे पास टेम्परेचर सेंसर है, ठीक है, ये 1 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिली वोल्ट आउटपुट दे रहा है। अगर मैं इसका टेम्परेचर कर देती हूँ 1.001, ये अगर इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो ये इसका रिजोल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर वो 1.01 को डिटेक्ट कर लेता है तो इसका मतलब है इसका रिजोल्यूशन क्या है, 0.01। वो स्मॉलेस्ट चेंज जो हम इनपुट में करते हैं जिसको सेंसर डिटेक्ट कर लेता है वो उसका रिजोल्यूशन होता है। तो रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, सेंसर्स का हाई होना चाहिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सेंसर इज लेस नॉइस एंड डिस्टर्बेंस। उनमें लेस नॉइस और डिस्टरबेंस होना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि सेंसर का काम क्या होता है, फिजिकल वेरिएबल्स को वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। जैसे टेम्परेचर सिग्नल क्या करता है, टेम्परेचर इनपुट में लेता है और उसे मिली वोल्ट यानी वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर इनपुट में नॉइज होगी या कोई डिस्टर्बेंस होगा तो जो आउटपुट आएगा सेंसर्स के थ्रू उसमें भी एरर्स आएंगे। तो इसीलिए जो सेंसर्स होने चाहिए उसमें लेस नॉइस एंड डिस्टरबेंस होना चाहिए। तो जो सेंसर्स हैं उनमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो नॉइस और डिस्टरबेंस को सिग्नल के साथ ऐड ना करें। नेक्स्ट इज लेस पावर कंजप्शन। जो सेंसर्स हैं वो कम पावर सप्लाई को यूज़ करके इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर दें। नेक्स्ट इज रेंज। डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द इनपुट दैट कैन बी मेजर। तो सेंसर्स जो हैं उनकी रेंज डिसाइडेड होती है कि वो इस रेंज से लेकर मैक्सिमम रेंज से मिनिमम रेंज ऑफ द इनपुट तक ही मेजर कर सकते हैं। तो जो सेंसर्स होते हैं उनकी रेंज जो होती है वो प्री डिसाइडेड होती है कि वो किस मिनिमम वैल्यू से किस मैक्सिमम वैल्यू तक मेजर कर सकते हैं। रिस्पॉन्सेस। सेंसर शुड बी केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द चेंजेस इन मिनिमम टाइम। तो अगर टेम्परेचर में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी में कोई चेंज हो रहा है तो उसको वो ईजिली रिस्पॉन्ड कर सकें। रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि जैसे अगर हमारा टेम्परेचर सेंसर है तो अगर इस टेम्परेचर में कोई 1 डिग्री सेल्सियस का भी चेंज आता है तो वो मिनिमम टाइम में आउटपुट को प्रोड्यूस कर देना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है कि टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज हुआ और 1 घंटे बाद जो है हमें आउटपुट मिल रहा है सेंसर से।
तो रिस्पांस जो होना चाहिए वो क्विक होना चाहिए, सेंसर्स जो हैं वो मिनिमम टाइम में रिस्पॉन्ड करने चाहिए अगर इनपुट में कोई चेंज होता है तो। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी, नो डेविएशन फ्रॉम एग्जैक्ट क्वांटिटी। हमारे सेंसर्स हैं वो एक्यूरेट होने चाहिए, यानी कि जो एग्जैक्ट क्वांटिटी चेंज हुई है इनपुट में उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट आना चाहिए। अगर हमारे पास टेम्परेचर सेंसर है, अगर वो 1 डिग्री सेल्सियस पे 1 मिली वोल्ट का आउटपुट देता है, तो 2 डिग्री पे उसे कितना देना चाहिए? 2 मिली वोल्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए, 2 डिग्री सेल्सियस पे हमें वो 1.5 मिली वोल्ट दे रहा है, तो इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हो जाएंगे। इसको देना चाहिए था आउटपुट 2 मिली वोल्ट का, लेकिन वो क्या दे रहा है, 1.5 मिली वोल्ट का। तो ऐसे डेविएशंस नहीं होने चाहिए एग्जैक्ट क्वांटिटी से। नेक्स्ट इज रिपीटेबिलिटी, डेविएशन फ्रॉम रीडिंग टू रीडिंग व्हेन दीज आर टेकन फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस। रिपीटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना। तो अगर हम एक ही रीडिंग को, एक ही सेम टाइप ऑफ इनपुट को बार बार रीड कर रहे हैं सेंसर से, तो अगर हमें वो बार बार आउटपुट डिफरेंट दे रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं टेम्परेचर सेंसर को 1 डिग्री सेल्सियस दे रही हूँ टेम्परेचर, तो मुझे 1 मिली वोल्ट आंसर आउटपुट मिला। अगेन मैंने फिर से उसे 1 डिग्री सेल्सियस इनपुट दिया, उसने मुझे आउटपुट में 2 मिली वोल्ट दे दिया। फिर मैंने 1 डिग्री सेल्सियस इनपुट दिया, उसने 3 मिली वोल्ट दे दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप आइडेंटिकल कंडीशंस में सेम इनपुट दे रहे हो और उसे बार बार रीड कर रहे हो, तो डेविएशन नहीं होना चाहिए, आउटपुट आपको हमेशा सेम मिलना चाहिए। तो हम कह सकते हैं द एबिलिटी ऑफ द सेंसर टू आउटपुट द सेम वैल्यू फॉर द सेम इनपुट ओवर अ नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो जो सेंसर्स हैं उनमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो सेम वैल्यू ऑफ द इनपुट के लिए सेम आउटपुट प्रोड्यूस करें, चाहे उसे आप कितने नंबर ऑफ टाइम्स भी रिपीट करो।